हेलो गाइस, वेलकम टू केक क्रिएशन। आज मैं बनाने जा रही हूँ गुड़ के लड्डू। तो ये सर्दियों का सीजन आता है, बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लड्डू बनते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं घर पे बना रही हूँ तो आपके साथ जरूर ये रेसिपी शेयर करूँ। तो आइए मिलके हम बनाते हैं गुड़ के लड्डू। गुड़ के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये नॉर्मल वीट का आटा लिया है, ये 500 ग्राम आटा है। 500 ग्राम अगर थोड़ा मोटा आटा हो तो भी अच्छा है, अगर मोटा आटा अवेलेबल आपके पास नहीं है तो ये नॉर्मल आटे से भी हम बना सकते हैं। और उसके लिए मैंने 600 ग्राम गुड़ लिया है, और ये हमेशा याद रखना है कि हमें जितना आटा है उसका 20% ज्यादा गुड़ लेना है। और ये हाफ ग्लास इतना पानी लिया है, और पानी कम ज्यादा हो सकता है, और थोड़ा हल्का नीम गर्म भी किया है मैंने इसको। और मैंने 200 ml ऑयल लिया है ये आटा गूंदने के लिए। आइए अब हम आटा गूंदना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये आटा छान लिया है, आप इसको आटे को छान लेना, और इसमें हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते आएंगे और इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें जितना ऑयल ज्यादा डालेंगे तो हमें आगे जाके पीसने में अच्छा रहेगा, अगर कम डालोगे तो थोड़ा पीसने में थोड़ी ज्यादा तकलीफ रहेगी। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके ऑयल डालेंगे, और ऑयल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें जितना ज्यादा हम मून डालेंगे तो उतना अंदर सॉफ्ट बनेंगे लड्डू। इसको थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, इस तरह से ये पूरा ऑयल इसमें खत्म कर देंगे। ये ऑयल में अच्छे से मिक्स होने चाहिए, और इस तरह से मुठिया बन जाए तो मतलब इसमें प्रॉपर ऑयल पूरा है। अब ये जो हमने नीम गर्म पानी लिया है ये भी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, पूरा आटा एक साथ नहीं हमें गूंदना है, थोड़ा थोड़ा करके हम करेंगे इसको। हमें सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, थोड़ा हार्ड आटा गूंदेंगे तो इसके हमें मुठिया बनाने हैं। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा आटा गूंदते जाना है, और इसके साथ साथ हम मुठिये बनाएंगे। मुठिये बनाने के लिए थोड़ा थोड़ा चपाती जितना आटा लेना है हमें, और हाथों में लेके दोनों हाथों में इस तरह से अच्छे से प्रेस करेंगे। अच्छे से प्रेस करते इस तरह से अपने हाथों से दबाकर उंगलियों से दबाएंगे तो ये अंदर से बीच में बिल्कुल अच्छे से फ्राई होंगे। आगे जाके हमें फ्राई करने हैं तो ये अच्छे से फ्राई होंगे, इस तरह से करते आएंगे। अभी और थोड़ा पानी डालेंगे और इसको आटे को थोड़ा सा गूंदेंगे। इसका हार्ड आटा बनाना है इसलिए हम पूरा आटा एक साथ गूंद नहीं सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो अच्छे बनेंगे। ये मैंने इस तरह से ये सब मुठिया रेडी कर दिए, अब हम इनको फ्राई करेंगे। मुठिया फ्राई करने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, इसमें आधे से ज़्यादा कढ़ाई में ऑयल डाला है, और गैस को फुल आंच पे मैंने खोल दिया है। 5 मिनट हो गए हैं, गैस को मैंने खोल दिया है। इसमें एक थोड़ा सा हम डालकर चेक करेंगे, अगर ये आटा ऊपर आ गया अच्छे से तो मतलब ये ऑयल रेडी है। ये ऊपर आ रहा है तो मतलब ये ऑयल रेडी है। इसमें हम एक एक करके मुठिया इसमें सारे डालेंगे, और इसको हमें मीडियम आंच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर से भी पूरे अच्छे से कड़क और फ्राई हो जाए, ऊपर से ब्राउन कलर आएगा तब तक तैयार। अब हम गैस को मीडियम आंच पे कर देंगे, और इस तरह से हल्के हल्के इनको चलाएंगे। इनको थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम चलाते जाएंगे, तब तक जलाएंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन हो जाएंगे, और बिल्कुल मीडियम आंच पे हमें रखना है। इनको एक बार हम फिर से चला लेते हैं, ये इनमें हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हुआ है, और अभी इसमें स्टिक टाइम लगेगा ताकि अंदर से बिल्कुल अच्छे से पक जाएंगे। ये हमारे बिल्कुल मुठिये रेडी हो गए हैं, ब्राउन कलर आ गया है, अच्छे से रेडी हो चुके हैं। इनको हम अब निकालेंगे एक छलनी लेके, इसका ऑयल पूरा निकाल कर, और गैस को हम बंद कर देंगे। एक बड़ा बर्तन उसमें इस तरह से निकाल देंगे। ये मुठिया हमने सब इसमें निकाल दिए थे, और इनको थोड़ा हल्का सा ठंडा करना है, ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे। अब हमें इसको कूट के पाउडर बनाना है हमें। तो पहले ज़माने में बहुत ही मुश्किल होता था, ये उखड़ला मसाला जिसे कैसे हमाम दस्ता जिसे कैसे कहते हैं, इसमें डालकर पहले इसमें डालते थे, फिर उसको इस तरह से हाथों से बहुत प्रेस करके कूटना पड़ता था, उसके बाद छानना पड़ता था। आजकल इतना जल्दी इजी क्विक हो गया है, ग्राइंडर जार लिया और इसमें 3-4 पीस करके इसमें डाल देते हैं, और कवर करके इसको ग्राइंडर से फटाफट 2 मिनट में ये ग्राइंड होकर पाउडर बन जाता है। इस तरह से हमने इसमें डाल दिया था, अब बस इसमें ग्राइंडर में ग्राइंड करना है, थोड़ा स्लोली स्लोली करेंगे और इसका अच्छा सा पीस के पाउडर बनाएंगे। ये ग्राइंड करके इस तरह से हमारा
पाउडर अच्छे से जबरदस्त इसका बन गया है। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा हल्का सा दरदरा रखेंगे तो अच्छे टेस्ट अच्छा आएगा। इसमें सेंटर में कोई कोई मोटे पीस रह जाते हैं तो इनको इसमें से निकाल कर और बीज दोबारा हम ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से हम पूरे मुठियों का पूरा पाउडर बना लेंगे। ये हमने सब पूरा ग्राइंड करके इस तरह से हमारा ये पूरा फाइन पाउडर रेडी हो चुका है। अब हम गुड़ या जैगरी की चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बड़ी कढ़ाई ली है, गैस को फुल आंच पे खोल दिया है और इसमें मैं एक गिलास पानी डालूंगी। इसमें जो हमने ये गुड़ या जैगरी लिए इसमें हम डालेंगे। बिल्कुल फुल आंच पे रख देंगे और थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में हम चला दे जाएंगे जब तक इसकी अच्छे से चाशनी रेडी हो जाए। ये हमारा गुड़ मेल्टेड होना स्टार्ट हो गया है, इसको थोड़ा टाइम लगेगा चाशनी बनने में। मेरे पास बड़े पीस थे, मैंने इस तरह से बड़े पीस डाले। आप इन बड़े पीसों को छोटे पीस करके डालते हो तो जल्दी से ये चाशनी जल्दी रेडी हो जाती है। ये हमारी चाशनी गुड़ की चाशनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अभी इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं किस तरह की होनी चाहिए। एक हाथ में लेकर ये बिल्कुल इस तरह से हाथ चिपकता हो तब इसकी चाशनी बिल्कुल रेडी है। अब गैस को हम बंद करेंगे। कढ़ाई को हमने गैस से हटा दिया है। अब इसमें आइए जो हमने ये जो पाउडर बनाया था लड्डू का, ये इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको एक बार चलाएंगे। और इसका यही फायदा है, अगर आप ये बहुत ज़्यादा लड्डू बना के इसको पाउडर बना के ये फ्रीजर में बना रख सकते हो और कभी भी जैसे ज़रूरत पड़े तो सॉफ्ट लड्डू उसी वक्त आप चाशनी बनाकर बना सकते हो। ये हमने पूरा इसमें पाउडर मिला दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और इसमें अब हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। देसी घी डालने से ये बहुत ही, वैसे भी बहुत दिनों तक चलेंगे, ये डालने से इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा और ये बहुत ही फ्रेश रहेंगे। इसको डाल के इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारा लड्डू का मिक्सचर ठंडा हो चुका है। अब आइए हम इसके लड्डू बना लेते हैं। इस तरह से चपाती जितना माटा लेंगे और दोनों हाथ में गोल गोल घुमा के इसको शेप देंगे। छोटी बड़ी आप पे डिपेंड करती है, मैं इस मीडियम साइज के बना रही हूँ। इस तरह से हम लड्डू की शेप देंगे और इन दिन को बिल्कुल ठंडा करके किसी भी कंटेनर में डाल के ये बहुत दिनों तक चलेंगे, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। हमने थोड़ा सा देसी घी डाला है तो ये बहुत दिनों तक फ्रेश रहेंगे। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये ट्रेडिशनल डिश है हमारी। इसकी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ये हमारे सुपर यम्मी लड्डू रेडी हो चुके हैं। अगर आप चाहो तो किसी ड्राई फ्रूट से इसको गार्निश कर सकते हो, मगर हम इनको ड्राई फ्रूट से गार्निश नहीं कर रहे हैं, ऐसे प्लेन खाना पसंद करेंगे। तो आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और फीडबैक ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना।